2022 के आखिर में गुजरात विधानसभा के चुनाव होने हैं। 182 सदस्यीय विधानसभा में पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल के रूप में जमी हुई है। पीएम मोदी का गुजरात दौरा भी विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। पीएम ने सूरत में रोड शो किया, इसके बाद जनता को संबोधित किया। सूरत ये वो शहर है जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ जब जब भी चुनाव होते हैं तो बीजेपी क्लीन स्वीप करती है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने यहीं पर अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। यानी सीधे शब्दों में कहें तो बीजेपी गढ़ में सीधे सेंधमारी करती है। तो क्या बीजेपी अपनी इतने सालों की बादशाहत को कायम रख पाएगी या फिर इस बार इस ताज को बचाना मुश्किल होगा, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस साल वो कई बार गुजरात दौरे पर रहे और उनका हर दौरा अहम रहा, क्योंकि इस साल के आखिर में यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं। आगे रिपोर्ट की तरफ बढ़े उससे पहले पीएम ने विपक्ष पर किस तरह से वार किया, आपको सुनाते हैं। भाई और बहनों, एयरपोर्ट से शहर को जोड़ने वाली सड़क जो बनी है वो सूरत की संस्कृति, समृद्धि और आधुनिकता को दर्शाती है। लेकिन यहाँ अनेक साथी ऐसे हैं जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए भी हमारे लंबे संघर्ष को देखा है, उसका हिस्सा भी रहे हैं। तब जो दिल्ली में सरकार थी, हम उनको बताते बताते थक गए कि सूरत को एयरपोर्ट की जरूरत क्यों है, इस शहर का सामर्थ्य क्या है। आज देखिए कितनी ही फ्लाइट यहां से चलती है, कितने ही लोग हर रोज यहां एयरपोर्ट पर उतरते हैं। आपको याद होगा यही स्थिति मेट्रो को लेकर के भी थी, लेकिन आज जब डबल इंजन की सरकार है तो स्वीकृति भी तेज गति से मिलती है और काम भी उतनी ही तेजी से होता है। सबसे पहले बात पीएम के चुनावी साल में दौरे की कर लेते हैं। चुनावी साल में पीएम का गुजरात आगमन, राज्य दौरा 9वीं बार, वर्चुअली जुड़े 11 बार। पहले क्या दिया, 53,000 करोड़, और अब दिए 29,000 करोड़ की सौगात। अब आपको गुजरात का राजनीतिक इतिहास बताते हैं, कब कब कौन कौन रहा सत्ता में। पहली बार 1960 में विधानसभा चुनाव कराए गए, 132 सीटों के लिए चुनाव में 112 सीटों पर कांग्रेस जीती। 1960 से लेकर 1975 तक राज्य की सत्ता पर कांग्रेस का राज रहा। बाबूभाई पटेल गुजरात के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। आपातकाल के बाद यहां की स्थिति में माधव सिंह सोलंकी जैसे धुरंधर राजनेता की एंट्री हुई और गुजरात की राजनीति एक नया करवट लेती हुई नजर आई। साल 1980 में जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद माधव सिंह सोलंकी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। पटेल राजनीति की शुरुआत। 1990 का चुनाव गुजरात जनता दल और भाजपा मिलकर लड़े, भाजपा का ये प्रयोग सफल हुआ। 1990 में कांग्रेस की हार हुई, जनता दल और भाजपा की मिलीजुली सरकार बनी। 1995 में 182 सीटों में से 121 सीटें भाजपा जीती। भाजपा की जीत के बाद केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। अब आता है सबसे खास पहलू और सबसे खास युग, जिसके बाद से बीजेपी ने गुजरात में पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो युग है नरेंद्र मोदी युग। 2001 में राज्य की राजनीति में नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई, राज्य के 22वें मुख्यमंत्री बने। मोदी लगातार 13 सालों तक इस पद पर बने रहे। फिर गुजरात में आनंदीबेन पटेल पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। 2 साल तक पद पर बने रहने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और विजय रूपाणी मुख्यमंत्री बनाए गए। 1995 में भाजपा ने आर्थिक रूप से पिछड़ों और पटेल समुदाय को साथ लेकर सत्ता हासिल की। तब से लेकर आज तक पिछले 22 सालों से गुजरात में भाजपा की ही सरकार बनती आ रही है। पिछले चुनावी नतीजे और ट्रेंड पर भी नजर डालते हैं। 2012 के चुनाव में भाजपा ने 182 में से 115 सीटें जीती, कांग्रेस को 61 सीटें मिली। 2014 में लोकसभा चुनाव में भी भाजपा का बोलबाला रहा और उसने रिकॉर्ड सभी 26 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। तब उसे राज्य में 60% वोट मिले थे। 1975 और 1990 केवल 2 मौकों को छोड़कर गुजरात की जनता लगभग हमेशा किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत देती रही है। 2017 के चुनावी आंकड़ों पर गौर करें तो 5 साल पहले हुए चुनाव में भी भाजपा ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, हालांकि उसके विधायकों की संख्या पिछले 5 चुनावों के मुकाबले सबसे कम रही थी। पार्टी सिर्फ 99 सीटें जीत पाई थी, वहीं कांग्रेस को 77 सीटें पर जीत मिली थी, मगर विधानसभा की मौजूदा तस्वीर अलग है। अभी भाजपा के पास 111 सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस के सिर्फ 63। गुजरात की विधानसभा सीटें 182
सामान्य सीटें, 13 अनुसूचित जाति, 27 अनुसूचित जनजाति। भाजपा ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन साल 2002 के विधानसभा चुनाव में किया। उस चुनाव में पार्टी ने 127 सीटें जीती थी। तब से 3 चुनाव हो चुके हैं, लेकिन पार्टी इस आंकड़े को छू नहीं पाई है। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो ये भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए अहम रहा। तत्कालीन सत्ताधारी भाजपा ने इस चुनाव में 3 दशकों के इतिहास में पहली बार 100 से कम सीटें जीत सकी। वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन उम्दा रहा। अब जबकि 2022 का चुनाव करीब आ गया है तो इन आंकड़ों पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। खासकर इस बार मैदान में तीसरा दल भी है, वो दल है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी भी चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। ऐसे में 2022 का चुनाव और अहम हो गया है। भाजपा यहाँ लगातार 6 बार से ज्यादा चुनाव जीतती आ रही है। उसे टक्कर देना दूर की कौड़ी लगता है, पर कहते हैं ना, राजनीति के खेल में कभी भी पासा पलट सकता है। तो इस तरह विधानसभा के पिछले चुनावों के आंकड़े भाजपा की बादशाहत साबित करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सीटों और वोट प्रतिशत में भी इस दौरान उछाल देखने को मिलता है। हालांकि 2002 से लेकर 2017 तक के सभी चुनावों में भाजपा का वोट प्रतिशत लगभग 50% रहा। 2022 में इसमें महज 1% की कमी आई। 2017 में आंकड़ा फिर 49% के पार चला गया। इस आंकड़ों पर ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी भी गौर कर रही होगी। इसके अलावा कुछ महीने पहले हुए पंचायत और नगर निकाय के चुनाव के नतीजों को देखना भी जरूरी है। पंचायत चुनाव में तो भाजपा आगे रही, मगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की दस्तक दिखी है। शहरी क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी ने अपनी मौजूदगी दिखाई। बहरहाल विधानसभा चुनाव के आंकड़े कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रदर्शन का आंकलन का आधार है। साल 1995 से लेकर 2017 तक के चुनावों के आंकड़े आगामी चुनाव के जोरदार होने की झलक तो दिखाते हैं, क्योंकि इस बार मैदान में 2 नहीं बल्कि 3 दल हैं, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।